वाराणसी के रामनगर में डायरिया का कहर देखने को मिला है। जहां रामनगर के सरकारी अस्पताल में चार दिनों में 300 से अधिक मरीजों को डायरिया की शिकायत मिली है, जिसमें से 145 से अधिक मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल का आलम यह है कि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के कारण उनका परिसर में ही इलाज किया जा रहा है। डायरिया से पीड़ित लोगों में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है? हम आए हैं मन्नापुर गांव से, बगल में है, रामनगर के एरिया में पड़ता है। क्या हुआ है? बस हमारे बच्चे की मतलब तबीयत खराब है, उल्टी दस्त होता है, हो रहा है। कहाँ पर है इसमें? बरामदे में? रामनगर बरामदे में है। इसमें अंदर बेड नहीं मिला? अंदर बेड नहीं, खाली था सर। लड़की को लगता है। क्या परेशानी हुई? उल्टी दस्त हो रहा है। तो कहाँ पर है इस समय आप लोग? रामनगर लगे थे। तो कहाँ बरामदे में है आप लोग के? यहाँ मिलेगा व्यवस्था, वही पर रहेंगे। तो आराम हुआ है? वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए डायरिया के तो अब तक लगभग 300 मरीज आ चुके, लेकिन कुछ मरीजों का उपचार ओपीडी में ही कर करके उस इंजेक्शन लगा करके भेज दिया गया। जो भर्ती होने लायक थे उनको भर्ती किया गया। उस तरह के मरीज 145 मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती। सर क्या कारण है कि इतनी भारी संख्या में डायरिया के मरीज आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मरीजों के जो पूछताछ में यही ज्ञात हो रहा है कि जितने भी मरीज डायरिया के आ रहे हैं उसमें कुछ खास मोहल्लों के मरीज हैं, और वो यही बता रहे हैं कि हमको जो पीने का पानी नगर पालिका से जो सप्लाई हो रहा है वो पानी गंदा में आ रहा है, नल खोलने पे गंदा पानी निकलता है और उसी को पीने के बाद हम लोग ये बीमार हो रहे हैं। क्या लगता है कितनी रिकवरी हो रही है? रिकवरी तो 100% हो रही है। हमारे यहाँ से कोई भी मरीज की कैजुअल्टी नहीं है, कोई मरीज की मौत नहीं है। जितने हमारे पास मरीज आ रहे हैं सबका 100% उपचार करा करके उसको ठीक करके भेजा जा रहा है। एक महिला की मौत की बात सामने आई थी? महिला की मौत यहाँ नहीं हुई है। वो चूंकि महिला हमारे पास जो दूसरे मरीज से बीमारी ग्रसित थी, उसको हार्ट की समस्या थी, उसके साथ साथ उसको डायरिया का भी प्रकोप था। उसको भर्ती करके 24 घंटे में उसको डायरिया ठीक कर दिया गया। उसके बाद उसको हार्ट के इलाज के लिए BHU में रेफर किया गया था और उसको एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस से दे करके उसे BHU में भर्ती कराया गया था। वहां उपचार के बाद क्या हुआ ये हम लोगों के पास सूचना नहीं है, अखबारों से पता चला कि उसकी मौत। बताया जा रहा है कि डायरिया की बीमारी बाढ़ के कारण रामनगर इलाके में फैली है। लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से अस्पतालों को मरीजों के लिए इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।